करने का काम करती। सियासत लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को हल करने का सामान पैदा करती, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मैं ज्यादा लोगों का नाम लेकर किसी सियासी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सच्चाई है। आज हमारे न्यूज़पेपर्स गवाही देते हैं, हमारे टेलीविजन गवाही देते हैं, मीडिया भी किस तरीके से काम करती है। जहां पर जरूरत होती है अमन कायम करने की, मीडिया उसको इश्काल कर भड़का कर लोगों में दरारें पैदा करता है ताकि किसी सियासी पार्टी को उसका कुछ खास फायदा हो जाए। तो आज देश में जिस किस्म का माहौल है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं खास बात कहने जा रहा हूं। एक बात आप मेरी बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जो कोशिशें ये लोग करते थे, बाज सियासी पार्टियां ये कोशिशें खास करती थी कि भाई बहुत आसान है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो। और ये पिछली 2014 के इलेक्शन से पहले हमने देखा मुजफ्फरनगर में क्या हुआ और कई स्टेट्स में किस किस किस्म से जब भी सियासत गर्म होने लगती है, जब अमन टूटता है तो इनकी सियासत गर्म होकर इनको फायदा देने लगती है। ये सियासत को तिजारत बनाकर इस देश में करने वाले सियासी मोहरे यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान में। तो एक बात अब जो समझ में आ रही है इनको, केराली एक जगह है यूपी में, वहां पे इन्होंने कांड किया, एक बात को फैलाने की कोशिश की। वहां के एमपी, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, वो अपनी बेटी को एमएलए इलेक्शन में खड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने एक नया